3000 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग हुआ करते थे। माउंटेन ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। मैं गंगावती कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। ये शहर एक मेजर फोकल पॉइंट है राइस मिलिंग इंडस्ट्री का। चारों तरफ से धान की खेती में घिरा होने की वजह से इसको राइस ब्लो सिटी ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं और कन्नड़ा लैंग्वेज में इसको भत्ता नाडू कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे माउंटेन के बारे में सुना है जहां प्री हिस्टोरिक एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हो जो 3000 साल पुराने हैं? इस माउंटेन को यहां के लोकल्स मोरियर हिल्स भी कहते हैं। क्यों इसको ये नाम दिया गया? क्या खास है इस माउंटेन में? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस माउंटेन को और इस सफ़र में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे फ्रेंड्स रियाज, निसार, साहिब, जिनको मेरी ही तरह प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक़ है। तो चलिए चलते हैं ऐसे सफ़र में जहां आप और मैं जानेंगे हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। मेगालिथिक साइट ऑफ हिरेबेनकल, मेगा यानी बड़े, लिथोस यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से बनी ये प्रीहिस्टोरिक साइट। जियोग्राफिकली ये कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है, गंगावती से 11 किलोमीटर की दूरी पे है और हम्पी से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे जर्नी की शुरुआत होती है मेरे होम टाउन से। 10 किलोमीटर बाई रोड हम जाएंगे हिरेबेनकल तक, वहाँ से 2 किलोमीटर हम माउंटेन ट्रेकिंग करेंगे बाई फुट। कोप्पल रोड से होते हुए दासनार से थोड़े ही आगे जाके लेफ्ट लेंगे और हम पहुंच जाएंगे हिरेबेनकल। हिरेबेनकल एक छोटा सा गांव है। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद कोकोनट ट्रीज मिलेंगे, वहां से लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेते ही वहां पर एक आम का बगीचा आएगा। वहां से लेफ्ट लेंगे तो आगे एक रेलवे ट्रैक आएगा। जैसे ही हम रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर लेंगे हम पहुँच जाएंगे मोरियर हिल्स पे। ये लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपको मेगालिथिक साइट के बारे में कुछ पोस्टर्स मिलेंगे। से स्टार्ट होती है हमारी ट्रेकिंग। इस पॉइंट पे आप ये मैप देखिए, अभी हम यहाँ पे हैं। 45 मिनट्स की ट्रेकिंग के बाद हम पहुँच जाएंगे रॉक आर्ट पे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वहाँ से 30 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम पहुँच जाएंगे मेगालिथिक साइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं माउंटेन ट्रैकिंग। Thank you.
मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं रॉक आर्ट पे। यहाँ पे हमें 2000 साल पुराने पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे जो मेगालिथिक पीपल्स ने किया है। आप ये पोस्टर देखिए, पेंटिंग्स को इसमें डिपिक्ट किया गया है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि लोग हाथों में कुल्हाड़ी और धनुष लिए हुए डीर और टाइगर का शिकार कर रहे हैं, और इस तरफ डीर की और लोग डांस करते हुए पेंटिंग्स है। हिस्टोरियंस बताते हैं ये पेंटिंग्स का उनके धर्म से कुछ लेना देना है, और हो सकता है ये उनके हंटिंग रिचुअल्स का एक हिस्सा हो। इस पेंटिंग्स को रेड ओकरे की मिक्सचर से बनाया गया है जो लगभग आयरन से निकलता है, जिसका हम आज भी यूज़ करते हैं कपड़ों को रंग देने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय आयरन की खोज हो चुकी थी और ये मेगालिथिक पीपल्स आयरन एज से बिलोंग करते हैं। इस पेंटिंग को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये लोग यहाँ पहाड़ों में हंटिंग किया करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो अभी चलते हैं मेगालिथिक साइट की तरफ। दोस्तों, फाइनली 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं कर्नाटका's लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रेसिव मेगालिथिक साइट पे, जो 2000 से 2800 साल पुरानी है, 800 BCE से 200 BCE पीरियड के बीच में। ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में डोलमेंस कहते हैं। जो सिविलाइजेशन यहाँ पे रहा करती थी, उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। 1835 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में फिलिप मेडोस टेलर ने इस प्लेस के बारे में पहली बार लिखा था। फिर एक सेंचुरी के बाद 1944 से 1948 के बीच में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे रिसर्च किया और इस प्लेस के बारे में जाना। रिसर्च में ये पता चला कि ये प्लेस 3000 साल पुरानी है, और जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, उनकी डेथ के बाद उनको दफन करने के लिए और उनकी याद में ये डोलमेंस बनाए गए। कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि ये डोलमेंस उनके घर हुआ करते थे और ये लोग पहाड़ियों में रहा करते थे। यहाँ पे एक पॉन्ड भी है जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता है। ये पानी इस स्ट्रक्चर्स को बनाने और उनके सर्वाइवल के लिए यूज़ किया करते थे। ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एनिमल हंटिंग्स भी किया करते थे। 2001 में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे एक ट्रायल एक्सकवेशन यानी खुदाई करवाई, और उन्होंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के जले हुए बोन्स और कई तरह के मिट्टी के बर्तन पाए। रिसेंटली मई 2021 में इंडिया के 6 हिस्टोरिकल प्लेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। उसमें से एक प्लेस ये भी है मेगालिथिक साइट ऑफ हिरेबेनकल के नाम से। आई होप इस प्लेस को भी जल्द ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पे हमें इतने पुराने एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो देखने को मिलते हैं, और करेंटली ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हम्पी सर्कल के अंडर प्रोटेक्टेड है। को देखने के बाद हमारे माइंड में कई तरह के सवाल आ सकते हैं। अगर इस प्लेस पे उनको दफन किया गया है, तो उनके कम्युनिटी में क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ये डोलमेंस बनाए गए, या उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, और क्या ये पाउंड का पानी उनके रिचुअल्स के लिए यूज़ किया करते। ऐसे कई सारे सवाल हमारे माइंड में आ सकते हैं, बट हिरेबेनकल इज अ साइट दैट इज स्टिल अंडर स्टडी। लगभग
90 मिनट्स यहाँ पे बिताने के बाद हम यहाँ से रिटर्न निकलते हैं। आप इस प्लेस पे ज़रूर विजिट कीजिए और अगर आ रहे हैं तो आप 5 PM से पहले यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि पहाड़ों में जानवर भी तो रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।